आपका डीपी में। आज हमारी वॉर्म सीरीज में दूसरा एपिसोड है और हम डिस्कस कर रहे हैं ट्राइकनिलोसिस। अगर आपने पुराने एपिसोड मिस कर दिया जाकर जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड में शेयर करिए, ताकि जो लोग इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ी आसानी से याद करना चाह रहे हैं या फिर समझना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। देखिए, बेसिकली ट्राइकनिलोसिस फॉर्मली कॉल्ड एज ट्राइकनोसिस या फिर ट्राइकनियासिस इज एन इन्फेक्शन, ठीक है, मतलब इन्फेक्शन है कॉज बाय नेमेटोड्स ऑफ जीनस ट्राइकनेलिया, मोस्ट कॉमनली टी स्पाइरलेस एंड ह्यूमंस, ठीक है। एंड थ्रू हिस्टोरिकल पैलियो पैथोलॉजिक एंड मोस्ट रिसेंटली जीनोमिक स्टडीज, मतलब बहुत स्टडीज करने के बाद, द कॉम्प्लेक्स इंटरवाइंड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, दे फूड एंड दे वॉर्म हैज़ बिकम बेटर रिफाइंड। बेसिकली यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कैसे आपका इनका जो वॉर्म्स का हमारे बॉडी से रिलेशन बहुत पुराना है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, बेसिकली डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं, सिम्टम्स क्या है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है, फेटीग, फीवर, ठीक है, एकिंग जॉइंट्स, मसल पेन टुगेदर विद स्वेलिंग ऑफ द फेसेस एंड आईज, स्वेटिंग, चिल्स, हेडेक्स, कफ, इची स्किन वगैरह वगैरह, मतलब ये अगर सिम्टम्स आपके में आ रहे हैं तो ये आपको ट्राइकनिलोसिस के प्रॉब्लम है। एक और मेजर कंसर्न है नर्वस सिस्टम एंड हार्ट एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को एंड का कहना करें, इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन फॉर माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शंस मोस्ट सिम्टम्स सबसाइड विद इन अ फ्यू मंथ्स, फेटीग, वीकनेस, मसल पेन एंड डायरिया कैन लास्ट फॉर मंथ्स, ठीक है। ये सब जो है आपका अगर कंट्रोल नहीं हुआ समय रहते तो ये फैटिक वगैरह भी और कमज़ोरी होना बहुत महीने तक आपकी रह सकती है। ऐसे प्रिवेंशन कैसे करें या कंट्रोल कैसे करें, तो सिंपल है, फ्रीजिंग द वाइल्ड मीट्स, जो मीट होती है उसके पहले फ्रोज रखिए आप फ्रीज करके, ठीक है, उसके बाद ही अच्छे से रोस्ट करके उसे खाइए, ठीक है। क्लीन मीट ग्राइंडर्स, जो यहाँ पे मीट आपकी ग्राइंडिंग होती है मशीन है जो आपकी, तो साफ रखिए। होता क्या है कि मान लीजिए मैंने पुरानी मीट ग्राइंडिंग करी वहाँ पे, ठीक है, और मैंने खा ली, वो सेफ थी, मगर कुछ पार्ट अगर रह गया ब्लेड्स में या फिर उस मशीन में और मैंने नई मीट लाया, तो ऑब्वियसली क्योंकि जब पार्ट उसमें पड़ा हुआ तो रॉटन तो हो गया होगा तो इन्फेक्शन फैला देगा। इसलिए जिस भी मशीन से आप करते हैं उसे साफ रखिए बढ़िया बढ़िया करके। अनकुक मीट स्क्रैप्स या कैरकास वगैरह जो है ये भी आपका अफेक्ट कर सकता है अगर ये एनिमल खा लेता है आपके, वन ऑफ द रीजन है आपकी इन्फेक्शन होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट ट्राइकनिलोसिस टू कुक मीट टू सेफ टेम्परेचर्स, देखिए मीट को आप बढ़िया करके रोस्ट करके कुक करिए। अ फूड थर्मामीटर शुड बी यूज टू मेजर द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ कुक मीट, देखिए फूड थर्मामीटर्स वगैरह होते हैं, अगर आपने शो देखे हो मास्टर शेफ वगैरह तो उसमें वो लोग एक थर्मामीटर लेके बैठ रहे थे उस समय, बस वही वाला है ये, ठीक है। क्योरिंग, साल्टिंग, ड्राइंग, स्मोकिंग और माइक्रोवेविंग मीट अलोन, देखिए साल्टिंग करना या ड्राई करना, ठीक है, ड्राइंग करना या स्मोकिंग करना या माइक्रोवेव में गर्म करना, इससे अकेले काम बनता नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको प्रॉपरली फ्रीजिंग करिए अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो, दबा के मतलब फुल फ्रीजर में, और जब खाने के लिए तैयार हो तो बढ़िया से इसके इसी टेम्परेचर पे कुक करिए इसको, ठीक है। फ्रीज पॉर्क लेस देन 6 इंचेस थिक फॉर 20 डेज, अगर पॉर्क खाते हैं तो कम से कम आप जो है 20 दिन तक उसे फ्रोजन रखिए ताकि किसी प्रकार का वॉर्म उसमें अगर हो भी तो नष्ट हो जाए, उसके बाद उसको आप गर्म करके बढ़िया से रोस्ट करके खा लीजिए। वॉश योर हैंड्स विद वार्म वाटर एंड सोप, भैया हाथ धो बढ़िया करके खाने से पहले, सिंपल है भैया, ये वार्म इन्फेक्शन होंगे ही नहीं अगर आप प्रॉपरली हाथ धो रहे हैं और आप मीट को फ्रीज करके और बढ़िया से रोस्ट करके खा रहे हैं, सिंपल है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट देखते हैं, दवाई है तो एल्बेंडाजॉल 400 mg ट्वाइस अ डे, ठीक है, और मेबेंडाजॉल जो है आपकी 200-400 mg 3 times a day बाय मंथ फॉर 3 डेज, 3 दिन तक आप खाइए दवाई को। और बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।